सो हेलो गाइस, होप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉड वेपन जो कि फ्री फायर ने अभी अभी निकाला है। कॉड वेपन बहुत ही मस्त वेपन है गाइस। अगर बात की जाए तो मशीन गन है कि, और गाइस पूरा मैं प्रॉपर आपको बता दूंगा, ये पहली ऐसी फ्री फायर की गन है जिसमें एबिलिटी है। एबिलिटी भी बताऊंगा कैसे यूज करनी है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, तभी आपको सब कुछ समझ आने वाला है। और अगर आप एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा गाइस, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी ये एबिलिटी पता चल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं आप इसमें देख पाएंगे कि मैं कैसे जो कॉर्ड गन की एबिलिटी है उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो मैं भी आपको जल्दी से क्लिप दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, क्लिप को मैंने अभी कॉर्ड वेपन इसमें बाय कर लिया है। और आपको जैसे ही आप इसमें प्रोन करेंगे या बैठेंगे तो इसमें आएगा इन मशीन गन मोड, ठीक है। इन मशीन गन मोड, ये सेम चीज़ M60 में भी आती है, पर M60 में ये सब नहीं होता। अब जैसे इसको प्रोन करेंगे शॉर्ट रेंज की बन जाएगी इसमें, मतलब जैसे डबल बैरल होती है उसमें 2 MO एक बार में जाती है, इसमें भी 2 MO एक बार में जाने लगेगी, मतलब एक टाइप की शॉर्ट रेंज गन बन जाएगी। और जैसे ही आप उठोगे इसमें आपको दिखा हुआ लिखा हुआ आएगा आउट ऑफ मशीन गन मोड, मतलब अब ये क्या है, ये लॉन्ग रेंज गन मोड बन चुकी है। और अगर उसकी लॉन्ग रेंज की बात की जाए तो 36 का डैमेज देती है, शॉर्ट रेंज में भी कुछ 12 का एक पर एमओ देता है। तो यार बहुत अच्छी गन है, ठीक है। तो देख सकते हो तुम लोग कितनी मस्त गन है। तुम बोलोगे M60 में तो यही सेम चीज़ होती है, नहीं गाइस, उसमें जब तुम बैठते हो रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है, ठीक है। जब खड़े होते हो तो रेट ऑफ फायर घट जाता है। तो यार इतनी चीज़ बोलनी थी तुमसे आज की वीडियो में। हो सब ठीक होंगे, घर में होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।